क्यों खेलती हैं सूर्य की किरणें चंद्र से, चंद्र जो कलंकित है नक्षत्रों के शाप से, सूर्य और उसकी किरणें खूबसूरत ऐसे जैसे जितेंद्रिय देव और उसकी दिव्यता, दोनों का प्रेम अटूट ऐसा जैसे शिव और उसकी शक्ति, बंधन ऐसा जैसे स्याही और कलम, बुद्धिमत्ता ऐसी जैसे ब्रह्मा और सरस्वती। आखिर क्यों दूर हो जाती हैं किरणें अपने सूर्य से, फिर क्यों खेलती हैं सूर्य की किरणें चंद्र से, चंद्र जो कलंकित है नक्षत्रों के शाप से, सूर्य की किरणें क्यों नहीं लेने देती हैं आनंद चंद्र को अपनी किरणों रूपी कविताओं का, जैसे आनंदित रहते हैं बाकी सभी तारे। और इन्हीं के जवाब में निकल के आई मेरी चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा कहती है, तुम वसुंधरा के हो ना चंद्र, इसीलिए अद्वितीय हो तुम। वसुंधरा के एक खंड से जब तुम ओझल होते हो, उसी क्षण चंद्र उसी क्षण उसके दूसरे खंड पर पूर्ण आलोकित रहते हो। सूर्य रश्मियाँ तुम्हें कभी ओझल नहीं होने देती, थामे रहती हैं तुम्हें एक हाथ से सदैव। ये सूर्य रश्मियाँ जो है ना चंद्र, तुमसे खेलने नहीं आती हैं, ये तुम्हारे पास आती हैं तुम्हारी शीतलता पाने के लिए। सूर्य के तेज से तप्त हुई आती हैं तुम्हारी छाया प्राप्त करने। तुम्हारे पास ही क्यों? क्योंकि तुम उन्हें उनके स्वरूप में स्वीकारते हो, हृदय पर अंकित कर सूर्य रश्मियों को स्वयं प्रभा बना लेते हो, उनका ताप सहन करते हो, हृदय पर छाले लिए चंद्र तुम तप्त से उन्हें शीतल बनाते हो। तुम केवल नक्षत्रों से शापित हो और सूर्य रश्मियां समस्त जीव से, तुमसे कहीं बड़ा है इनका शाप। जीवों को कई बार ये रश्मियां दिव्य नहीं तप्त लगती हैं, सताती हैं उन्हें, जलाती हैं और यूं शापित हो जाती हैं। तब चंद्र सूर्य रश्मियां आती हैं तुम्हारे पास तप्त से शीत होने। सूर्य रश्मियां जो अप्रिय लगती हैं, चंद्र प्रभावन जग प्रिया हो जाती हैं। सूर्य रश्मियां तुमसे खेलने नहीं आती चंद्र, ये तो तुम्हारा सानिध्य प्राप्त कर अपने श्राप से मुक्त होने आती हैं। सूर्य में भस्म अपने अस्तित्व को तुम में समाहित होकर अमर कर लेती हैं ये सूर्य रश्मियां। सूर्य के लिए ये सूर्य रश्मियां हैं चंद्र, और तुम्हारे लिए तुम्हारी चंद्र प्रभा। चंद्र लेकर सूर्य रश्मियां तुम स्वयं प्रभा बिखेरते हो। माना चंद्र तुम दुर्लभ हो, पर नयन स्वप्न से पलते हो। तुम्हारी चंद्र प्रभा, चंद्र तुम्हारी चंद्र प्रभा।